मरते हुए हाँ नमस्कार किसान भाइयों, एग्रोटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सोयाबीन की वैरायटी है, ये प्रिया गोल्ड है। और यहाँ पर हमारे गांव की पूरी निरीक्षण टीम, एक तरीके से युवा टीम निकली हुई है, जो कि इल्लियों का निरीक्षण कर रही है कि कितनी इल्ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेड़ पर कितनी सारी इल्लियाँ गिरी हुई हैं, और इन्होंने लगभग सभी प्रकार की दवाइयाँ इसमें दे दी है, उसके बाद भी इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो अब कमलेश भैया से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, अब वो क्या आगे करेंगे। चलो हम तो कहीं नहीं करेंगे, संदीप भैया बोला गया नहीं, नहीं। तो चलिए अनिकेत जी लोवंशी से मिलते हैं कि उनकी क्या राय है, कि किस प्रकार अब वो नियंत्रण कर पाएंगे इन इल्लियों को। तो अनिकेत जी आप क्या कहेंगे? सभी दवाई डाल चुके हैं अभी तक, हाँ? चार स्प्रे हो गए हैं। हाँ हाँ उसके बाद भी अभी ईल नहीं मर रही है। हाँ? अब देखते हैं कोई सा अच्छा। तो लगभग आपने इन सोयाबीन में लगभग आप देख रहे हैं सभी प्रकार की दवाइयाँ आपने दे दी है, तो अब आगे चलकर आप स्प्रे देंगे इन पर? देना पड़ेगा क्योंकि फली खा रही है, करे खा रहे हैं सब, मतलब ईल इतनी होए। तो इल्लियों को हमने देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फली को डैमेज कर रही है, फली पर नुकसान पहुँचा रही है, तो आप कितनी जल्दी इन पर स्प्रे कर देंगे? अभी 3 दिन हुए हैं स्प्रे किए। हाँ हाँ, 2 दिन बाद फिर डबल से करेंगे। अच्छा, इल्ली की कौन सी वैरायटी आप पहचान सकते हैं, कुछ बता सकते हैं एक बार जूम करके? आप देख लीजिए, इनमें सभी प्रकार की ही है, ये इल्ली है। हाँ, और अपने उनको दियो है, तो सब इल्ली है पूरी। लगभग इन्होंने सभी प्रकार के टेक्निकल ट्राई करके देख लिए, लेकिन किसी में कोई ऐसी कोई सी दवाई नहीं मिली है कि जो इन इल्लियों को मार सके। तो बलराम जी राजपूत, आपको अभी तक कौन सी दवाई में सबसे अच्छा रिजल्ट मिला, और बताएंगे आप सिजेंटा का कौन सा है? एविसेंट में अच्छा, अच्छा रिजल्ट मिला। अभी तक इन्होंने जितनी भी सोयाबीन में जो दवाइयां डाली है, उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट एविसेंट का दिखा, क्योंकि इसमें जो इल्लियों की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है, लगभग एक दो इल्ली मिल रही है बड़ी मुश्किल से। तो बलराम जी राजपूत, आप क्या आप इसमें अब आपके खेत में एविसेंट डलवाएंगे? बिल्कुल, अभी एविसेंट लेने ही जा रहे हैं भाई साहब दुकान पे। जी जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इनमें कौन सी दवाई डाली जाए जिससे कि इन इल्लियों पर नियंत्रण पाया जाए। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।